जिंदगी में खुशियों का एक ही है आधार, खाने में भरपूर हो पौष्टिक आहार। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता सहाय और मैं कैलाश हॉस्पिटल और नीरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 नोएडा में डाइटिशियन के पद पर काम कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। पर क्योंकि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण एक काफ़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसे पोषण माह के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका आधार, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारे देश में आने वाली हर पीढ़ी को कुपोषण से बचा सकें और हमारे समाज को एक स्वस्थ जीवन की धारणा दें। अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर मिले, तो वो कुपोषण से बच सकता है और एक स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकता है। और इसीलिए इस बार हमारी न्यूट्रिशन वीक की थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, यानी अगर हम शुरू से ही अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इस थीम को दो मेन टारगेट ग्रुप्स को मद्देनज़र रख के हमने प्लान किया है। पहला यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ यानी कि नवजात शिशु। क्यों? क्योंकि नवजात शिशु अक्सर अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर केयर नहीं मिलती तुरंत पैदा होने के बाद, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती, उनका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता, वो कुपोषित रह जाते हैं, अंडरवेट रह जाते हैं, ज़्यादातर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। दूसरा टारगेट ग्रुप है हमारा प्रेग्नेंट लेडीज़ यानी कि गर्भवती महिलाएँ। अगर माँ ही पैदा करने से पहले अस्वस्थ रहेगी, अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखेगी, तो पैदा होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा होगा? इसीलिए हमारे देश में ज़्यादातर बच्चे पैदा होने के बाद लो बर्थ वेट यानी कम वज़न के साथ पैदा होते हैं और वो ज़्यादातर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता, या फिर वो किसी डिफॉर्मिटी यानी कुरूपता के साथ पैदा होते हैं, या ज़्यादातर अक्सर केसेस में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमारे नेशनल न्यूट्रिशन वीक का एक और उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट के बारे में। क्यों? जैसे कि आज हम सब एक काफ़ी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये समझ चुके हैं अगर इससे बचना है तो हमें अपने आसपास सफाई तो रखनी ही है, लेकिन हमें अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखना है। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग रहेगा? अगर हमारी डाइट प्रॉपर या बैलेंस रहेगी। हम अपनी डाइट जितनी हेल्दी रखेंगे, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो करेंगे, तभी हम अपने आप को, हमारे देश को आने वाली सभी बीमारियों से बचा सकते हैं। और जैसे कि हमारे सरकार का भी यही एजेंडा है, सही होगा पोषण तभी होगा देश राशन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।